वंदेमातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है EPR यानी जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन है वो भरने का प्रोसेस शुरू है और इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। उससे पहले पहले आपको अपनी EPR है वो सबमिट करनी है। सबसे बड़ी समस्या जो अभी आ रही है कि दिन के समय, खास करके जो विद्यालय समय है, 1 बजे तक लगभग शाला दर्पण पे स्टाफ लॉग इन है, काफ़ी मुश्किल से चल रहा है और EPR भी बहुत मुश्किल से सबमिट हो रही है और कई लोगों के OTP की प्रॉब्लम भी आ रही है। तो उसका समाधान ये है कि आप 1 बजे के बाद या शाम को अगर कोशिश करेंगे तो आपके OTP भी आ जाएगा और OTP वेरीफाई भी आसानी से हो जाएगा और EPR भी आप आसानी से भर पाएंगे। समय काफ़ी कम है इसलिए साइट पे थोड़ा सा लोड है, इसलिए ये प्रोसेस धीरे हो रहा है। हालांकि काफ़ी समय दिया गया है, लेकिन जो भी साथी अभी भी EPR नहीं भर पाए वो अपनी EPR भरें। आज हम बात करेंगे कि EPR भरने के बाद में PO स्तर से, यानी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल है उस पर आप उस स्तर पर किस तरीके से EPR को चेक करेंगे और जिन जिन कर्मियों को EPR आई है उसको कैसे आगे फॉरवर्ड करेंगे या रिजेक्ट करेंगे और किन किन की नहीं आई है उसका कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके संस्था प्रधान या DDO है उनके लॉगिन पे जाना है और उनके लॉगिन में जाने के बाद में, या उनका भी स्टाफ लॉगिन है आपको ओपन करना है और स्टाफ लॉगिन ओपन करने के बाद में यहाँ आपके EPR वाला जो ऑप्शन है होम के नीचे EPR है उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो EPR डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको ये EPR का मैसेज आएगा और ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान यहाँ रखना है कि जो भी EPR है वो आपके जो खास करके जो DDO लेवल से चेक करनी है उसके लिए आपको यहाँ जो नीचे रेड कलर में दिया हुआ क्लिक ईयर व्यू पेंडिंग या एसेस्ड EPR एप्लीकेशंस रिपोर्टिंग रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग, यानी जो आप कोई भी ऑफिसर हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, रिव्यूइंग हो, एक्सेप्टिंग हो, इस पर आपको क्लिक करना हो। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने OTP का मैसेज आएगा, आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर उनके मोबाइल या नंबर शो हो जाएंगे और सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP आप क्लिक करेंगे तो OTP है उनके मोबाइल में सेंड हो जाएगा। अब यहाँ OTP जो भी आता है वो इंटर करके नीचे कंफर्म OTP फॉर EPR असेसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे OTP आता है मैं आपको इंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये OTP आ चुका है और यहाँ OTP एंटर करने के बाद में कन्फर्म OTP पर क्लिक करना है। अब ये आ गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ आपके सामने यहाँ नीचे आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट फॉर EPR असेसमेंट अभी जैसे 16 है, पेंडिंग EPR असेसमेंट अभी 0 है और असेस्ड EPR यानी कितनी EPR असेस की हुई, यानी पहले से फॉरवर्ड कर दी है चेक करके, तो 2 है। कुल मिलाकर के 18 EPR है, उनमें से 2 असेस कर दिए और 16 अभी पेंडिंग है। अब पेंडिंग को आप किस तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो 16 रिक्वेस्ट फॉर EPR असेसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो नीचे इसके सारी जो लिस्ट है जिन्होंने अधीनस्थ कार्मिकों ने EPR भेजी है वो सारे नाम वगैरह शो हो जाएंगे। तो इनके नाम के आगे जिस भी कार्मिक की आप EPR को फॉरवर्ड करना चाहें, यहाँ आपको पेंडिंग के आगे रिपोर्टिंग और यहाँ जो ये निशान दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ निशान जो भी दिखेगा उस पर क्लिक करने के बाद में आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। तो आपके कंफर्म का ऑर्डर है वो ऑफिसर का है वो आपके सही हो जाएगा। तो पहले तो आपको ऑफिसर कंफर्म करना है, तो ऑफिसर आपको चेक करना है कि कार्मिक ने जो भी ऑफिसर भरे हैं वो सही भरे या नहीं भरे। तो यहाँ से आप देख लें, जैसे पहले नाम है वो रिपोर्टिंग का नाम आ जाएगा, दूसरा जो नाम है यहाँ से जो यानी कार्मिक का नाम ही आ जाएगा, दूसरा रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है जो वेरीफाई करें उनका ही यहाँ नाम आना चाहिए। उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर, तो जैसे वरिष्ठ अध्यापक है या व्याख्याता है उन सभी के लगभग रिव्यूइंग ऑफिसर है, वो CBO है तो CBO का नाम यहाँ आना चाहिए, CBO की ID वगैरह। उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर अलग अलग है, जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक है, एलिमेंट्री के तो DO एलिमेंट्री होंगे, सेकेंडरी के तो DO सेकेंडरी, वरिष्ठ अध्यापक है तो JD होंगे और अगर व्याख्याता और प्रिंसिपल है तो उनके डायरेक्टर महोदय होंगे। तो यहाँ जैसे ये CBO का नाम आ रहा है, यहाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर में आशीष मोदी यानी जो डायरेक्टर महोदय है उनका नाम आ रहा है। ये सारे अगर सही है, ऑफिसर सही है तो आपको यहाँ कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करना है, और अगर गलत है, ऑफिसर गलत सेलेक्ट किए तो यहाँ से आपको चेकबॉक्स पर अनक्लिक करके आपको रिजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने ये सारे चेक कर लिए और चेक करने के बाद में यहाँ से आप कन्फर्म हो जाए, आश्वस्त हो जाए तो चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको कन्फर्म ऑर्डर पर ऑफिसर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिसर है वो कंफर्म हो जाएंगे, ये पहला स्टेप है। इसी लेवल पे आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं और ये आ गया ऑफिसर कंफर्म। अब आपको यहाँ से जो असेस्ड है यानी पेंडिंग फॉर असेसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि एक को आपने असेसमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको असेसमेंट इसका करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा साइट है वो समय लेगी और उसके बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ से जैसे आप इसको क्लिक करेंगे
तो अभी जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी साइट धीरे चल रही है, तो अब यहाँ से जैसे एपीआर वाला जो ऑप्शन है व्यू एपीआर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके जो एम्प्लॉय ने भरे हैं, यहाँ संतोषप्रद है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो भी है वो भरा हुआ है। आप इसमें ये डिफॉल्ट आएगा, आप इसमें चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अच्छा, उत्कृष्ट, असंतोषप्रद, जो भी आप लिखना चाहें, वो एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के लेवल पर आप उसको लिख लें। और उसके नीचे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, यहाँ से जैसे ये जो है सामान्य मूल्यांकन अधिकारी द्वारा व्यक्तित्व के गुणों का वगैरह, तो यहाँ कुछ न कुछ टिप्पणी आपको करनी पड़ेगी एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो यहाँ जो भी टिप्पणी आप करना चाहें वो कर दें, जैसे मैंने यहाँ ये टिप्पणी यहाँ कर दी। उसके बाद में ये जैसे कोई भी वर्ष के दौरान अगर कोई है तो यस करे, या किसी अभिव्यक्ति के प्रतिकूल मानते हैं तो, या अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त जनों के प्रति संवेदनशील है तो हाँ, इस पे नो नहीं करना है, हाँ करना है क्योंकि संवेदनशील है। और यदि कोई ऐसी बात है जो सत्यनिष्ठा द्वारा पालन नहीं हुआ, प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो इस पर ना कर देना है। और प्रतिवेदी का समग्र मूल्यांकन, अच्छा, संतोषप्रद, जो भी है वो आपको करना है। और क्या प्रतिवेदी विधि में प्रतिवेदक धारित पद और वर्तमान पद में अंतर है तो यस करना, अन्यथा नो रहने देना है। और यहाँ से आपको प्रीव्यू करना चाहें तो इसको प्रीव्यू कर सकते हैं या सबमिट करना है। पहले आप जैसे इस प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप अच्छी तरह से एक बार और देख सकते हैं कि आपने जो भी इसमें टिप्पणी वगैरह भरी वो भी शो हो जाएगी। और यहाँ जो भी कार्मिक वगैरह, तो प्रीव्यू में एक बार देखना चाहें तो देख लें, बाकी इसको कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपने खुद किया है। अब इसको आगे का ऑप्शन है सबमिट वाला, तो यहाँ सबमिट रिव्यू है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सबमिट रिव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा कि रिव्यू सक्सेसफुली ये सबमिट होगी। अब आपको यहाँ से नीचे जो ऑप्शन आ गया, यहाँ आपको मैं दोबारा ऑप्शन बता दूँ कि यहाँ एक तो आपके प्रीव्यू आ गया, सबमिट रिव्यू आ गया, उसके बाद में फिनिश एंड फॉरवर्ड एपीआर, आपको यहाँ फिनिश करके इसको फॉरवर्ड करना है। कई लोग यहाँ सबमिट रिव्यू करके छोड़ देते हैं तो वो एपीआर है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल पर ही रहेगी, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास में नहीं जाएगी। और जब एक्सेप्टिंग के पास नहीं जाएगी, सॉरी रिव्यूइंग के पास नहीं जाएगी, तो एक्सेप्टिंग के पास जाने का सवाल ही नहीं है। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर से यहाँ से आपको रिव्यूइंग ऑफिसर को इसको फॉरवर्ड करना है, तो फिनिश एंड फॉरवर्ड एपीआर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पूछेगा डू यू वांट टू श्योर, और इस पर आपको ओके या यस पे क्लिक करके इसको फॉरवर्ड कर देना, और एपीआर एप्लीकेशन फिनिश ये सक्सेसफुली हो गई। अब इसको व्यू करना चाहें तो ये आपके साइन एपीआर आएगी, तो आपके जो भी डीडीओ है उनके साइन है वो यहाँ इस पर शो हो जाएंगे, और एक पीडीएफ ग्रुप यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं यहाँ से। जैसे ये तो पुरानी थी जिसपे साइन वाइन नहीं आ रहे थे, जो पहले मैंने डाउनलोड की थी, अब ये जो डाउनलोड की है इसमें आप यहाँ देखेंगे तो डिजिटल साइन या राइट का निशान आ रहा है, और ये जो भी टिप्पणी की थी वो सारी यहाँ आ रही है, और यहाँ से आप डेट वगैरह ये सारी देख सकते हैं, और इसको आप प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। और जिन जिन कार्मिकों की आप एसेस करते हैं वो सारी आप रख सकते हैं। ये मैंने कहा कि आपकी ये साइट है बहुत बार बिजी चलती है तो बार बार आउट हो जाती है, तो आप जैसे दोबारा अगर चेक करना चाहें तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसे पहले यहाँ तीन जो थी, यहाँ जो पहले असेस में दो आ रही थी, अब यहाँ से तीन आ गई क्योंकि एक मैंने असेस करके आपको लाइव बता दी। अब यहाँ से आप इनका स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे ये एपीआर है ये सबमिटेड है, और जैसे ये कब की थी सबमिटेड, तो जैसे 24/7 को की थी, तो लेवल रिपोर्टिंग ऑफिसर पे है और सबमिटेड है। दूसरी है यहाँ से जैसे ये 24/7 को की थी सबमिटेड और पेंडिंग एट एक्सेप्टिंग ऑफिसर, यानी रिपोर्टिंग से ये रिव्यू में पहुँच गई और एक्सेप्टिंग पे यहाँ ये पेंडिंग है। यहाँ ऊपर वाले में सबमिटेड, तो सबमिटेड और बाई सेव बाई ऑल, यानी ये रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग सभी पे पहुँच गए, ये पेंडिंग एट एक्सेप्टिंग है। और ये जो अभी मैंने जो भेजी थी आपको बताया, मैंने अभी जैसे वीडियो में बताया था, जैसे 29/7 है तो अभी मैंने आपको ये भेज करके बताया। अब इसका सबमिटेड ऑप्शन आ रहा है और पेंडिंग एट रिपोर्ट रिव्यूइंग, क्योंकि रिपोर्टिंग से ये फॉरवर्ड हो गई और रिव्यूइंग पे शो हो रही है, तो आप जिस जिसकी फॉरवर्ड करें उसको एसेस में जाकर के देख लें कि आपके पास जितनी भी पेंडिंग थी उन सभी को पहले एसेस कर लें, उसके बाद में यहाँ से पेंडेंसी जीरो हो और यहाँ सारे जितना भी आंकड़ा हो यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ सारे आंकड़ा आ गया इसका मतलब है आपने जो भी एपीआर भेजी है वो सारी की सारी आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल से फॉरवर्ड करके एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे भेज दिए, रिव्यूइंग पे भेज दिए, और रिव्यूइंग से जैसे ही वो फॉरवर्ड होगी एक्सेप्टिंग पे शो हो जाएगी। और डीडीओ लेवल पे आप इसको देख भी सकते हैं कि कार्मिक की एपीआर है वो कहाँ शो हो रही है। एम्प्लॉय लेवल पे भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी एपीआर के संबंध में कि किस तरीके से डीडीओ या जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो अपने लॉगिन से जो भी अनिर्दिष्ट कार्मिक को एपीआर आई हुई है उसको कैसे एसेस करेंगे, कैसे फॉरवर्ड करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें कि उसको रिवर्ट करना चाहें या रिजेक्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ से जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ से तो मैंने पूरा बता दिया आपको कि किस तरीके से उसका स्टेटस वगैरह चेक करना है। अब मान लो जैसे मैं यहाँ से जैसे मान लो आप इसको रिजेक्ट करना चाहें तो यहाँ आपको चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, ये जैसे एपीआर आई हुई है तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करके यहाँ आएंगे तो यहाँ अगर इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके रीजन पूछेगा रिजेक्ट का। तो यहाँ कई सारे रीजन है, पहला है कि प्रतिवेदन अवधि सही नहीं भरी गई, उस आधार पर आप रिजेक्ट कर सकते हैं।
ये रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने गलत भरे किसी ने तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर सही नहीं चयन नहीं किया है, या समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यूइंग ऑफिसर को सही नहीं चुना है, या सेप्टिंग ऑफिसर को स्वीकारकर्ता को सही चयन नहीं किया है, या रिपोर्टिंग समीक्षा अधिकारी का चयन सही नहीं किया है, यानी एक गलती है, दो गलती है, तीनों गलती है, जो भी गलती है वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें। यहाँ से जैसे एक गलती मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट करके यहाँ से पहले तो एक बार सारे आप कारण देख लें, जो भी कारण लागू होता हो, रिपोर्टिंग ऑफिसर गलत है, एक्सेप्टिंग गलत है, या रिव्यू ऑफिसर गलत है, जो भी गलत सेलेक्ट किया है, अवधि गलत सेलेक्ट किया है, यहाँ से आप जैसे ये करेंगे तो यहाँ से आपको ये पूछेगा आपको, जैसे आपने एक कारण सेलेक्ट कर लिया कि रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन सही नहीं किया है, अब यहाँ आपको रिजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे वो वापस एम्प्लॉय लेवल पर पहुँच जाएगी और यहाँ से उसका जो एक संख्या है वो कम हो जाएगी। तो ये मैं आप सिर्फ बता रहा हूँ अभी, क्योंकि उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ रिजेक्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आप इस किसी भी कर्मी की एपीआर को या तो कंफर्म कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद में वापस एम्प्लॉय लेवल पे वो शो हो जाएगी, तो एम्प्लॉय सही वापस ऑफिसर्स वगैरह पर करके दोबारा सबमिट करेगा तो वापस शो हो जाएगी। तो ये अभी जैसे सही थी तो मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि रिजेक्ट किस तरीके से करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था, आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आप लोगों को हुई रहेगी। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।